हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में स्वागत करते हैं हम आप सबका। दर्शकों, स्वच्छता एक ऐसा शब्द है जिसकी अहमियत से हम सब वाकिफ हैं। हम ये जानते हैं कि अगर हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो स्वच्छता को अपनाना होगा। इसके साथ ही स्वच्छता का पर्यावरण से भी गहरा संबंध है। अगर हमारा पर्यावरण स्वच्छ नहीं होगा तो इसका असर हमारे तन मन दोनों पर पड़ेगा। इसलिए स्वच्छता जो है वो सिर्फ हमारा अधिकार नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। तो आज का विषय आपको समझ में आ ही क्या होगा। हमारा आज का विषय है स्वच्छता से स्वास्थ्य। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की महाप्रबंधक क्वालिटी प्रमोशन डॉक्टर अर्चना वर्मा जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। धन्यवाद। और हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि इस संबंध में अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या अपनी कोई बात हमें बताना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए नोट कर लीजिए आप हमारा फ़ोन नंबर। हमारा फ़ोन नंबर है 0522-220-5756, 0522-228-8698, 0522-401-5988। और हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जब भी आप हमें फ़ोन करें अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें ताकि आपकी आवाज़ हम तक अच्छे से पहुंच सके। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज का हमारा विषय है स्वच्छता से स्वास्थ्य जी, तो स्वच्छता और स्वास्थ्य इनका आपस में क्या संबंध है? शिखा जी, स्वच्छता और स्वास्थ्य ये आप समझ सकते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जी। जहाँ स्वच्छता होगी वहीं स्वास्थ्य होगा, और यदि स्वच्छता नहीं है तो बीमारियों की संभावना खुद ब खुद बढ़ जाती है जी। आप जानती हैं आज वर्ल्ड हैंड हाइजीन या हैंड वॉशिंग डे भी है जी। तो अगर मैं इसी चीज़ को और आगे बढ़ाऊं तो मैं ये कहूंगी कि जितनी भी हमारे यहाँ बीमारियाँ होती हैं उनसे 80% बीमारियों से निजात पाई जा सकती है अगर हम सिर्फ समय पर हाथ धोना और सही तरीके से हाथ धोना अपना लें तो। सिर्फ आज वर्ल्ड जो है हैंड वॉश डे हम मना रहे हैं, तो जैसा आपने अभी बताया हमें जी, तो ये कितना ज़रूरी है, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई? शिखा जी, जैसा मैंने बताया कि ज़्यादातर बीमारियाँ कीटाणुओं से पनपती हैं जी। अगर हम रेगुलर हैंड वॉशिंग की अपनी आदतें अगर सुधार लेते हैं, सही समय पे सही तरीके से हाथ धोना हम खुद भी सीख लेते हैं, अपने बच्चों को भी सिखा देते हैं, तो 80% बीमारियों से बचा जा सकता है जी। आप जानते हैं कि बीमारियां हो जाएं फिर उनका इलाज कराना पड़ता है, उससे अच्छा है कि बीमारियां हो ही ना, जिसको कहा भी जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो वो प्रिवेंशन हमारा जो पार्ट है वो इसी तरह से आएगा अगर हम अपनी आदतों को हेल्दी रखेंगे, हेल्दी हैबिट्स को अपनाएंगे। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने हाथ धोना सही समय पर और सही तरीके से खुद भी जानें और अपने परिवार वालों को, मित्रों को, बच्चों को, सभी को समझाएं जी। डॉक्टर साहब, इस पे हम आपसे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल इसी विषय पर एक लघु नाटिका तैयार की गई है, आइए देखते हैं जी। बाबा बाबा, आपको पता है आज हैंड वॉश डे है ना, इसलिए हमारे सर ने हाथ धोने के फायदे और हाथ धोने का सही तरीका बताया। अच्छा, ले स्कूल में पढ़ाई तो कराएंगे नहीं, हाथ धोने का तरीका बताएंगे। वाह, केवल हाथ धोने का तरीका नहीं दादी, हाथ धोने का सही तरीका। ले हाथ धोने का भी सही और गलत तरीका होता है का? अरे पहले कोई बात तो सुनो। तो बेटा क्या बताया तुम्हारे सर ने हाथ धोने के बारे में? उन्होंने बताया हाँ, तो मैं बता रहा था कि हाथ धोने का मतलब सिर्फ हाथ पे पानी डालना नहीं होता, हाथ को पानी में अच्छी तरह भिगोते हैं, फिर साबुन लगाते हैं, फिर दोनों हाथों को ऊपर से नीचे अच्छी तरीके से रगड़ते हैं। सबसे ज्यादा गंदगी नाखूनों में होती है, इसलिए साबुन लगी हथेली पर दोनों हाथों के नाखूनों को इस तरह रगड़ के साफ करना चाहिए, फिर ऐसे ही दूसरे हाथ के नाखूनों को, फिर बाद में दोनों हाथों को पानी से अच्छी तरीके से धो लेते हैं। ये हुआ ना हाथ की सफाई का सही तरीका। सर, साबुन ना होने पर मिट्टी लगाकर हाथ साफ कर सकते हैं ना? नहीं, मिट्टी से कभी हाथ नहीं साफ करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी में बीमारी फैलाने वाले कीटाणु होते हैं। जब नाखूनों में मिट्टी जमा हो जाएगी तो
तो हाथ साफ कैसे होंगे? सर, लेकिन अगर साबुन ही नहीं हुआ तो? साबुन तो अब हर जगह उपलब्ध है, सफर में, स्कूल में या बाहर बाजार में पेपर सोप के रूप में आसानी से उपलब्ध हैं। उनको अपने पास रखना और इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर साबुन ना मिले तो दोनों हाथों को रगड़ के पानी से साफ करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें पानी साफ होना चाहिए। समझे बाबा? पानी साफ होना चाहिए। गुड, बात तो सही बताई तुम्हारे सर ने, लेकिन ये नहीं बताया कि हाथ कब और कैसे धोने चाहिए। बताया ना, शौच के बाद यानी टॉयलेट जाने के बाद, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, बाहर से खेल के आने के बाद, कभी भी कहीं से बाहर लौटने पर, और गंदी चीज छूने के बाद, और छोटे बच्चों को छूने से पहले हाथ जरूर धोएं। सर, यदि हाथ ठीक से ना धोए जाएं तो क्या होगा? धूल और मिट्टी में बीमारी वाले कीटाणु होते हैं। अगर हम हाथ साफ तरीके से नहीं धोएंगे तो वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां पैदा होंगी। इसलिए हाथ न धोने की वजह से बीमार पड़ने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। फालतू क्या सोच ले? चलो दादी, हम तुम्हें सिखाते हैं सही से हाथ धोना। हमें नहीं सीखना है। अरे हाँ बाबा, अब तो अस्पताल जाते रहते हो ना, सर ने ये भी बताया था कि अस्पताल में जब भी जाएं, अस्पताल में जाने से पहले रुमाल से अपना मुंह और नाक जरूर ढकें, इधर उधर ना थूकें, और गंदगी कचरा कूड़ा यहां वहां ना फैलाएं, और कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में ही डालें। मरीज को उसके बेड या उसकी इस्तेमाल की हुई चीजें और चादर बिल्कुल ना छुएं। जब अस्पताल से वापस आए तो अपने दोनों हाथ रगड़ के अच्छी तरीके से धोने के बाद ही कुछ खाए पिए। जहां तक संभव हो मरीज को कम से कम लोग देखने जाएं, और छोटे बच्चों को तो बिल्कुल ना ले जाएं। दादी तुम भीतर चलो, हम तुम्हें सिखाते हैं सही तरीके से हाथ धोना। दीदी हाँ, तुम्हें सिखाते हैं सही तरीके से हाथ धोना। मुझे नहीं सीखना। लो, रो भी रही है, गुस्सा भी हो रही है। अरे जाने दो, बहू सब समझा देगी, बहू समझदार है हमारी बहू। क्या हुआ बेटा? अरे बोल ना बेटा, क्या हुआ? मुझे नहीं जाना स्कूल। स्कूल पर हुआ क्या मेरी बच्ची को? तुम्हें ही कही थी ना कि अपना अधिकार मांगने में ना शर्माना चाहिए ना झिझकना। हाँ तो फिर? तुम्हें ही सिखाई थी ना कि महामारी कोई बीमारी नहीं बल्कि स्त्रियों में होने वाली सामान्य शारीरिक क्रिया है, और इस बारे में तो बात करने में ना ही झिझकना चाहिए ना ही शर्माना। हाँ पर हुआ क्या मेरी बच्ची? आज स्कूल में मेरी सहेली को महावारी हो गई। उसने मैम से सैनिटरी पैड मांगा, उन्होंने दिया ही नहीं। तो फिर? एक हफ्ता पहले एक संस्था वाले आए थे, उन्होंने महावारी की समस्या के साफ सफाई के बारे में बताया था। हाँ तो? उन्होंने बताया था कि वो लोग मैम के पास कुछ सैनिटरी पैड रख रहे हैं, एमरजेंसी के समय ले सकते हैं। लेकिन वैसे जैसे तुमने बताया था कि अपने स्कूल बैग में कुछ सैनिटरी नैपकिन रख लें, मैंने उसे दिया तब। तो भी ठीक किया ना? हमने तो ठीक किया, लेकिन मैम ने? और मम्मी टॉयलेट में इतनी गंदगी होती कि पूछो मत। ये तो तुम लोगों की भी जिम्मेदारी है ना। अब टॉयलेट में ढक्कन वाला कूड़ेदान है ही नहीं तो सब लोग कोने में ही फेंक देते हैं, और तो कुछ ऐसी बेवकूफ लड़कियाँ हैं कि सीट में फ्लश करने की कोशिश करती हैं जिससे टॉयलेट चौक होता है। अब ये तो तुम लोगों की गलती है ना। हाँ स्कूल वालों को तो ढक्कन वाली बाल्टी रखवानी चाहिए। मम्मी तुम चलो ना हमारे स्कूल बात करने मैम से। मैंने अपनी बेटी को समझदार भी बनाया है और अपना हक मांगने की
ताकत भी दी है। वो तो सही है मम्मी, लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, पहले तुम अपनी क्लास की लड़कियों को समझाओ कि नैपकिन को कब कैसे कहाँ फेंके और कैसे नष्ट करें, उसके बाद तुम सब मिलकर मैम से बात करो कि कॉलेज में डस्टबिन रखवाएं, उसकी नियमित साफ सफाई करवाएं और नैपकिन रखें। फिर सब लोग कहेंगे मैं नेतागिरी कर रही हूँ। बेटा, अपने हक के लिए लड़ाई करना कोई नेतागिरी नहीं, जिम्मेदार नागरिक का हक भी है और अधिकार भी। मेरी बिटिया अच्छी नागरिक है कि नहीं? मम्मी, ये शर्माने की बात नहीं है बल्कि सोच समझ कर बात करने की बात है, और मेरी बेटी ना तो शर्माएगी और ना ही संकोच करेगी, है ना? डॉक्टर साहब, इस लघु नाटिका के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शिखा जी, बहुत ही अच्छी तरीके से हैंड हाइजीन या हाथ की सफाई के बारे में समझाया गया है, और सच तो यह है कि जब तक हम इन आदतों को अपनाएंगे नहीं, तब तक पूरी तरीके से स्वास्थ्य या पूरी तरीके से स्वच्छ पर्यावरण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और जितनी भी अच्छी हैबिट्स हैं या जो भी अच्छी आदतें हैं, वो हमें बचपन से सिखानी चाहिए। तो काफ़ी अच्छी तरीके से बच्चों के माध्यम से बताया गया, बच्चों ने भी उस बात को समझा, टीचर भी स्कूल में अच्छे से समझा रहे थे, जिससे कि इन बातों को बचपन से ही उनको दिमाग में बैठाया जा सके, जिससे वो आदत के रूप में विकसित हो सके। इसके साथ ही जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे जो मैसेज दिया गया है जी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब, इस पे हम और भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है मिशन हेल्थ में एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में, और आज का विषय हम एक बार फिर से आपको बता दें, हमारा आज का विषय है स्वच्छता से स्वास्थ्य। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की महाप्रबंधक क्वालिटी प्रमोशन डॉक्टर अर्चना वर्मा जी। डॉक्टर साहब, नंदस्वरूप मिश्रा जी का फ़ोन है बाराबंकी से। हेलो 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 जी, स्वागत है नंदस्वरूप जी, अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते मैडम, मैं जानना ये चाहता हूँ, एक कहावत कहते हैं कि गांधी जी का सपना था स्वच्छ हो स्वस्थ भारत हो अपना मिशन हेल्थ का कहना, ऐसी दशा में जो हम लोग गांव में रहते हैं तो हाथ की सफाई और नियमित अपने नाखून काटते हैं, और जो परजीवी पैदा हो जाते हैं जिनके जुआ बोलते हैं, ये सब सफाई, इसके अलावा हमें क्या चीज ध्यान देने की जरूरत पड़ती है स्वच्छता के लिए, और किन बातों पर ध्यान देने की? मिश्रा जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और पर्सनल हाइजीन के लिए तो आप जागरूक हैं ही, लेकिन इसके साथ ही कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जो हम घर में जो हम खाना खाते हैं वो साफ़ होना चाहिए, साफ़ बना हुआ होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए। साथ ही जो हम सब्जियां पका रहे हैं उससे पहले उनको अच्छी तरह धो के और तब उन्हें काटना चाहिए। अच्छी तरह धोने से उसमें जो कई बार ऐसा होता है कि कुछ परजीवियों के अंडे या गंदगी लगी होती है वो पूरी तरीके से निकल जाएगी, साफ़ हो जाएगी, और उसके बाद सब्जियों को काट कर उसको जब पकाया जाएगा तो उसके विटामिन और पोषक तत्व नष्ट भी नहीं होंगे, और जो भोजन बनेगा वो भी पौष्टिक होगा। तो इन चीज़ों का अलग से ध्यान रखेंगे तो स्वास्थ्य और बेहतर हो जाएगा। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि सब्जियों को धो के इस्तेमाल करें, तो इसके लिए पानी किस तरह का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। शिखा जी, बिल्कुल सही आपने कही है कि सब्जियाँ धोनी हैं तो पानी भी होना चाहिए और पानी भी साफ़ होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी ही गंदा होगा तो उसमें जो भी चीज़ धोई जाएगी वो भी गंदी हो जाएगी। तो पानी बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, और इसका ख्याल रखा जाए कि जो भी पानी पीने के लिए या खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो वो एकदम साफ होना चाहिए। जी तो सब, जैसा कि अभी आप हम बात कर रहे थे कि माहवारी के दौरान स्वच्छता की बिल्कुल कितनी अहमियत है इसकी, और इस महिलाओं को किस तरह से इसको समझना है, इस बारे में हम चाहेंगे आप बताएं। शिखा जी, महिलाओं को भी समझना है, और साथ में जो हमारी किशोरियां हैं जी, ये चीज़ उनके लिए और भी ज़्यादा अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि आज भी समाज में माहवारी के संबंध में बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती है। हालांकि माहौल बदल रहा है और अब इसके बारे में बहुत जगह से खुल के बात होने लगी है, बहुत से ऐसे मंच हैं जो माहवारी के दौरान होने वाली समस्याओं के बारे में किशोरियों को या महिलाओं को बताते हैं, उनको सफाई के बारे में भी जागरूक करते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि इसको समझा जाए कि माहवारी किसी भी और नैसर्गिक क्रिया की तरह ही एक नैसर्गिक क्रिया है, और वो सभी जितनी भी महिलाएं हैं वो जब भी बाल्यावस्था में होंगी, उससे जब वो किशोरावस्था में आएंगी, तो एक समय नियत समय होता है जिसमें कि माहवारी आरंभ होती है। तो बेहतर ये है कि उससे पहले ही बच्चियों को इसके बारे में जागरूक कर दिया जाए, इसके बारे में उन्हें जानकारी दे दी जाए, जिससे एक दिन अचानक जब ऐसा हो तो वो घबरा ना जाए या उसको छुपाए नहीं, उनको पहले से पता हो कि ये एक नैसर्गिक क्रिया है। साथ ही इसमें जो ली जाने वाली सावधानियाँ हैं, जैसे कैसा
सैनिटरी पैड कैसे इस्तेमाल करना है, कब कब उसे बदलना है, उसको ना बदलने से क्या नुकसान हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी जानकारी बालिकाओं को पहले ही दे दी जाए। जैसे कि अभी हमने लघु नाटिका में भी देखा कि उसको किस तरह से उसका निस्तारण किया जाए, इस विषय की भी जानकारी बच्चों को जरूरी है। चलो सर, जम्मू से फोन है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार मैम। जी जी, स्वागत है मिशन हेल्प में, अपना नाम बताएं। मेरा नाम है केवल, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। केवल जी, अच्छा जी, जी। हाँ मैम, मैं ना स्वच्छता के प्रति एक अपना सुझाव देना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या ना स्वच्छता के प्रति विद्यार्थियों को स्कूल और कॉलेज में जागरूक किया जाए और स्वच्छता का उन्हें लाभ बताया जाए। इसके साथ साथ हम सब मिलकर के अपने घर में, अपने परिवार में, विशेष करके बच्चों को प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें कि स्वच्छता का क्या क्या लाभ है, और हम उनको स्वच्छता के लाभ बताएंगे, वो स्वच्छ रहेंगे तभी तो हमारा जो समाज है वो स्वस्थ रहेगा। और इसके साथ साथ हम सबको मिलकर के, पूरे देशवासियों को मिलकर के इसके खिलाफ जो अस्वच्छता है देश में, तो केवल जी आप जो बात कह रहे हैं इसी पे ही आपके जो सुझाव हैं बहुत ही स्वागत के योग्य हैं, और इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर साहब से। तो सब जैसे कि केवल जी ने कहा कि स्कूलों में, अस्पतालों में इस बात का ध्यान रखना चाहिए स्वच्छता के बारे में, तो किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए? शिखा जी, बच्चों के तो आजकल पाठ्यक्रम का भी हिस्सा बन गया है कि किस तरह से साफ़ सफाई रखनी चाहिए, किस तरह भोजन साफ़ करना चाहिए, भोजन के पहले हाथ धोना चाहिए, भोजन के बाद हाथ धोना चाहिए, शौच के पहले, शौच के बाद, कोई भी चीज़ जो भी हम, कोई भी गंदी चीज़ है अगर उसको छू लिया है उसके बाद हाथ धोएं। ख़ास तौर पर छोटे बच्चों को उठाने के पहले या उनके संपर्क में आने के पहले हाथ अच्छी तरह धोना बहुत आवश्यक है। तो ये तो हुई बचपन में एक आदत डालने वाली बात। इसके साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ हो, कि ये ना हो कि हमने अपने घर की तो सफाई कर ली और कूड़ा बाहर फेंक दिया, क्योंकि वो भी सड़क पे जाएगा, लौट के हमारे घर में आएगा। तो पर्यावरण की सफाई भी हमारी ही जिम्मेदारी है। ये चीज़ें खुद भी समझनी होंगी और बेहतर होगा अगर बच्चों को भी बचपन से ही इन चीज़ों की आदत डलवा दी जाए। डॉक्टर साहब, बाराबंकी से जयदेवी जी फ़ोन कर रही हैं। हेलो। हेलो जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में। जयदेवी जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, जयदेवी मिश्रा बोल रही हूँ बाराबंकी से। हमारा प्रश्न, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको सफाई में कौन कौन चीज के ध्यान देना चाहिए, बच्चे स्वस्थ रहें। जयदेवी जी, बिल्कुल सही बात आपने पूछी, क्योंकि बच्चों को अगर बीमारी लग जाती है तो बहुत मुश्किल इसलिए भी होती है क्योंकि उनके साथ ही पूरा परिवार भी परेशान हो जाता है कि बच्चे अब बीमार हो गए हैं। ध्यान ये देना चाहिए कि जब छोटे बच्चे घर में हों तो बहुत ज़्यादा व्यक्ति उनको ना छूएं, साथ ही जो व्यक्ति उनको छू रहे हैं वो अच्छी तरह साफ़ सफाई का ध्यान रखें, हाथों को अच्छी तरह धो लें। ये भी ध्यान रखें कि अगर जुकाम है या कोई संक्रमण है तो वो फिर बच्चों से दूर रहें। इसके साथ ही जब बच्चे, कई बार शिखा जी देखा होगा, जब चलने वाले हो जाते हैं तो वो पूरे घर में भागते फिरते हैं और कई बार आदत होती है उनकी या उत्सुकतावश कोई भी चीज़ उठा के मुँह में डाल लेते हैं। तो ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जब बच्चे चलना शुरू कर दें तो कोई ना कोई व्यक्ति लगातार उन पर नज़र बनाए रखे कि कोई चीज़ वो मुँह में ना डाल लें, मुँह में अटकने की भी संभावना रहती है, साथ ही गंदगी जाने की भी संभावना रहती है। तो अभी हम मिशन हेल्थ में एक और ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका मिशन हेल्थ में, और स्वच्छता से स्वास्थ्य विषय आज हमारा मिशन हेल्थ में है। और डॉक्टर साहब, बंशी जी का फोन है जी। हेलो। हेलो, नमस्कार मैडम जी। जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं मुगलसराय से बोल रही हूँ मैडम, मैं केंद्रीय विद्यालय की एक रिटायर्ड टीचर हूँ जी। स्वागत है मिशन हेल्थ में, अपना प्रश्न पूछिए जी। मैंने बच्चों के साथ बंशी जी, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दीजिए बिल्कुल। मैंने मैडम म्यूट कर दिया है, मैडम म्यूट कर दिया है जी। हाँ, अपनी बात कहिए मैडम। तो वो बच्चे जिनके घर से पेरेंट्स छोड़ बता रहे थे उनके साथ तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो साइड से बच्चे आते हैं जिनके माता जी उतने शिक्षित नहीं होते हैं, वो बच्चों को कुछ नहीं बताते हैं। और जब स्कूल में ऐसा फेस हो जाता है, पीरियड स्टार्ट होता है, बच्चे पकड़ पकड़ के रोने लगते हैं मैडम। और साफ सफाई की बात तो कुछ ज्यादा जानकारी नहीं होती है। आपका मंच बहुत बड़ा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप अपने मंच से मैडम जी।
आपने बहुत ही अच्छे विचार हमसे साझा किए डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी वो बता रही थी कि बच्चियों को जानकारी न होने के अभाव में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, स्वच्छता का संक्रामक रोग जो है उससे क्या संबंध है? शिखा जी, जो संक्रामक रोग हैं वो सीधे तौर पर स्वच्छता से जुड़े हुए हैं। कोई भी संक्रामक रोग यदि स्वच्छता के जो हमारे नियम हैं उनका पालन न किया जाए तो बहुत आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे, दूसरे से तीसरे, यहाँ तक कि पूरे समुदाय में फैल सकते हैं। पहले आपको पता होगा कि कई बार इसी तरह के रोगों के एपिडेमिक जिसको हम कहते हैं, जिसमें एक बड़ा क्षेत्र प्रभावित होता है और काफ़ी सारे लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं, इस तरह की महामारियाँ बहुत आसानी से फैलती थी। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे नए नए टीकों का जुड़ना हमारे टीकाकरण कार्यक्रम में होता गया, वैसे वैसे काफ़ी हद तक हमने इन पर रोगों पर विजय पा ली है। लेकिन आवश्यक यह है कि जितने भी संक्रामक रोग हैं उनसे जो भी टीके अवेलेबल हैं, जो हमारे सरकारी संस्थानों से लगाए जाते हैं, उनको समय से लगवाना बहुत ज़रूरी है। आप जानते ही हैं कि 5 साल तक के बच्चों के लिए कई तरीके के टीके बने हुए हैं, 7 बार, जिसको 5 साल 7 बार आजकल सुना भी होगा आपने, तो उसको बहुत अपनाने की ज़रूरत है। जो टीकाकरण सारणी दी हुई जाती है सभी चिकित्सालयों में, वो जो एक हमारा वैक्सीनेशन कार्ड है उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से जो भी टीके जिस समय लगाए जाने चाहिए उसको बिल्कुल नियम बना के अपने बच्चों को टीकाकरण पूरा करवाएं। अगर टीकाकरण ही हमारा पूरा हो जाएगा तो बहुत सारे रोग ऐसे हैं जिन पे हम निजात पा लेंगे। उसके लिए जागरूकता की बेहद आवश्यकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि हम लोग अक्सर देखते हैं अस्पतालों में जाते समय लोग भीड़ लगाते हैं या कूड़ा कचरा फेंकते हैं, इसका किस तरह से निस्तारण किया जाए, किस तरह से जागरूक किया जाए लोगों को? शिखा जी, चिकित्सालयों में तो और भी ज़्यादा सावधानी बरतनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक आप समझते हैं, एक होता है सामान्य कूड़ा, वो सामान्य कूड़ा कम से कम इन्फेक्शन नहीं देता, वो देखने में गंदा लगता है या उसकी वजह से परेशानी हो सकती है, चलने फिरने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन उससे इन्फेक्शन नहीं होता। लेकिन जब हम चिकित्सालयों में जाते हैं तो चिकित्सालय में बहुत तरीके के रोगी आते हैं, उनका कई तरीके से उपचार किया जाता है। कुछ लोगों की सर्जरी की जाती है, सर्जरी के बाद उनकी पट्टियाँ करनी पड़ती हैं जिनको बार बार बदलने की भी आवश्यकता पड़ती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम चिकित्सालय में जाते हैं तो वहाँ 2 तरह का कूड़ा होता है, एक जो साधारण कूड़ा है जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा उठाया जाएगा और इन्फेक्शियस नहीं है। जी डॉक्टर साहब, आपसे इसी बारे में जानकारी लेंगे। प्रयागराज से राखी जी का फोन हम ले रहे हैं। जी हेलो। हेलो, हाँ राखी जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में, प्रश्न पूछिए। जी मैम, हमारा ये प्रश्न है कि जैसा कि आज हैंड वॉश डे है, तो हमारा प्रश्न ये है कि अगर हाथ को अच्छे तरीके से नहीं धुला जा सके, अगर नहीं धुला गया तो उसे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती, कौन सी गंभीर बीमारियां हो सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है राखी जी ने। राखी जी, मैं बताना चाहूंगी कि अगर हाथों को हम ठीक से धोते हैं तो 80% बीमारियां ऐसी हैं जो फैली रहती हैं उनसे बचा जा सकता है। खासतौर पर अच्छे से हाथ धोने से सबसे सीधा जो फर्क पड़ता है वो दस्त या इससे संबंधित रोगों पर पड़ता है। साथ ही जो एक दूसरे से फैलने वाले रोग होते हैं जिनको हम संक्रामक रोग कहते हैं, उनसे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है अगर हम हैंड हाइजीन का सही तरीके से प्रयोग खुद भी करें और अपने घर वाले, परिवार वालों को, बच्चों को इसकी अच्छी से आदत डलवाएं। जी तो कार्यक्रम के उस अंतिम पड़ाव पर हम आ गए हैं जहां हम लेंगे चलते चलते। चलते चलते में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न का सही उत्तर भेजने वाले दर्शकों में से किसी एक दर्शक के पत्र का चयन हम लकी ड्रॉ के द्वारा करेंगे और फिर आमंत्रित करेंगे उन्हें अपने यहाँ स्टूडियो में। तो नोट कर लीजिए हमारा आज का प्रश्न, क्या स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता आवश्यक है? और इस प्रश्न का उत्तर आप जिस पते पर भेजेंगे वो पता भी नोट कर लीजिए। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddup.lko@gmail.com। आपके उत्तरों का रहेगा हमें इंतज़ार। और डॉक्टर साहब, आप आई और स्वच्छता से स्वास्थ्य के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। और हम अपने उन सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहेंगे जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और जिन्होंने हमें फ़ोन किया। नमस्कार।